तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आ चुके हैं एक बार फिर से नई वीडियो लेके, और ये वीडियो कुछ खास होने वाली है। इसमें हम लोग अपने गांव से 12 किलोमीटर दूर आए हैं, और ये जो पहले के लोग रहते थे, पहले आदिवासी लोग, वो उस टाइप का ये जो लोकेशन है वो सेट किया गया है। और मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँगा कि कैसे किस प्रकार से लोग पहली पुरानी जो प्रथा चलती आ रही थी उसमें क्या कैसे चलता था, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा। और ये वीडियो लास्ट तक बने रही है इस वीडियो को देखने के लिए। तो गाइस, ये जो लोकेशन है ना वो बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि ये लोकेशन 50 जगहों में से एक दो जगह पे ही मिलती है। और ये जो पुरानी चीज़ है, ये देखिए झोपड़ी जो है, ये झोपड़ी पुरानी है, इसमें सामान स्टोर किया गया है, भूसा है वगैरह वगैरह। और ये देखिए क्या शानदार ये दृश्य दिख रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ ये पुराना जो हैंडपम्प है, देखिए ठीक है, ये गाँव का पुराना मशीन, गांव का हैंडपंप पुराना है, ऐसे हाथ से चला चलाया जाता है, उसके बाद पानी निकलता है। देखिए पानी कितना कम दे रहा है, कितना मेहनत से पानी निकलता था। आज के ज़माने में तो बटन है, बटन दबा दिया पानी मिल गया। और यहाँ पे ये छोटा सा जो, अब अंदर आते हैं, अंदर आपको दिखाता हूँ मैं, क्या शानदार व्यू है ये हमारे झोपड़ी का। और ये झोपड़ी में देखिए, यहाँ पे एक दादी माँ है और ये खाना बना रही हैं, और सामने खटिया पड़ा है, चारपाई है, इस पर मच्छरदानी लगा गया है। और ये देखिए क्या खाना बना रही हैं, भुजिया सरपुतिया का बेटा, भुजिया बन रहा है। ये चूल्हा देखिए आप लोग, चूल्हा ये देख सकते हैं, और बहुत ही शानदार व्यू रहता है यहाँ पे। तो यार गाइस, ये सब जो चीज़ें मैंने आपको दिखाया ना, वो सुकून देता है यहाँ पे। जो पहले 1980-1970 इस दशक की जो ये सब प्रथा थी ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। और मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि ये जो छोटी छोटी ये हरी सूखी लकड़ियाँ हैं, ये सब यूज होता है चूल्हे के लिए। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कुछ फल लगे हुए हैं, ये देखिए, यहीं से ये सब जाएगा सब्जी के लिए, यहीं से कटेगा, बनेगा सब्जी फर्स्ट क्लास का। यहाँ पर हमारे पास ढेर सारे अमरूद के पेड़ देखने को मिल जा रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये फॉर्म देखिए, खतरनाक फॉर्म दिख रहा है आप सबको। और इसमें वहाँ पे बगल में एक शानदार नदी जाती है, और वो नदी जो है वो जब बाढ़ आता है तो पानी यहाँ तक आ जाता है, वो और ख़तरनाक व्यू दिखने लगता है। और गाइस, सबसे ख़ास बात ये है कि हमारे पास एक स्पेशल जगह है बैठने के लिए। मैं आप लोग को उस जगह पे बैठ के दिखाता हूँ कितना शानदार व्यू दृश्य आता है। और यहाँ पे बैठने के लिए, और लोग ये एक देखिए, एक इलास्टिक चीज़ है ये, और यहाँ पे बहुत ही आराम से आप लोग बैठ सकते हैं, फ़ोटो शूट करा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो गाइज, इसमें मेन बात ये है कि ये सब लोकेशन अब रह नहीं गया, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, सब लोग पक्का मकान बना रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास एक मिल जाता है आप लोग को, एक स्टूल टाइप का, यहाँ पे स्टूल होल्डिंग है। फिर यहाँ पे ये देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे एक पुराना अम्ब्रेला मिल जाता है गाइज, पुराने ज़माने का अम्ब्रेला। और इस अम्ब्रेले के साथ हम लोग, पुराना अम्ब्रेला है, और इस छाते को मुझे लगता है कि ये 20 से 25 वर्ष पुराना छाता है ये, और इसको आज तक यूज़ किया जाता है, इसको बहुत ही संभाल के रखा गया है। तो यार गाइस, सबसे ख़ास बात ये है इस जगह की ना, कि यहाँ से मार्केट जो है 15 किलोमीटर दूर है, और ये लोग 15 किलोमीटर दूर जा भी नहीं सकते, इन लोग के पास कोई व्हीकल सुविधा नहीं है, ना ही कोई गाड़ी है, ना ही कोई ठीक रास्ता है। तो मैं दिखाता हूँ, खास बात यह है कि ये लोग अपने खाने पीने के लिए कैसे शानदार चीज़ ये सब लोग उगा लेते हैं। यहाँ पे ये सब देख सकते हैं आप, छोटा सा लगा है, ये मूली लगा है, फिर आगे जाएंगे यहाँ पे ये धान लग गया है, धान की फसल है ये। धान की फसल के बाद यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा ये अमरूद है, अमरूद के ताज़े फल यहाँ पर लगा है। फिर उसके बाद कुछ दूर और आएंगे तो यहाँ पर मिर्च लगा हुआ है, और ये मिर्च जो है कुछ फल अभी इसमें लगे पड़े हैं मिर्च। और मिर्च के बाद यहाँ पे कुछ दूर आगे आएंगे तो हम लोग को ये हल्दी मिलेगा, यहाँ पे हल्दी लगा गया है। फिर ये नींबू का पेड़ है, अभी तो इसमें फल नहीं आए हैं, ऑक्सीजन चल रहा है। फिर वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पपीता, मतलब सारी व्यवस्था यहाँ पे है गाइस, कुछ खाने पीने खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये अब सभ्यता कब तक बरकरार रहेगी, अब देखने वाली बात है। यहाँ पर हमारे वीआर ब्लॉग्स के कलाकार विश्वजीत राय, और ये भी इसी दौरे पे आए हैं इस जगह का हालचाल लेने के लिए। तो गाइस ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा। मैं जल्दी आऊँगा नई वीडियो लेके। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। गुड बाय।